ये मुझे माउंट आबू कम और गोवा की याद ज्यादा दिला रहा है। देखो सेम ऐसे ही रोड है ना वहां भी सिटीज में। तो गाइस आज हम कर रहे हैं गुजरात के ब्रेकफास्ट, ठीक है भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू चिल फन व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज सीधा स्टार्टिंग कुछ ऐसी है, बेसिकली मैं माउंट आबू आया हुआ हूँ। आ तो मैं कल गया था बट पूरा रात ड्राइव किया हमने, अप्रोक्स 12 आवर्स लग गए गुड़गांव से आने में। तो कल मैं पूरा दिन सो रहा था एंड कल भी बारिश हो रही थी, फोगी था, तो सोचा कि आज निकलते हुए साइट विजिट वगैरह कर जाएंगे। बट अनलकीली आज भी बारिश हो रही है एंड काफ़ी फोग गए, पता नहीं कितना आपको व्यू देखने को मिलेगा कितना नहीं। सो लेट्स ट्राई। अभी हम आए हैं यहाँ पे, एक लेक है, बहुत फेमस लेक है ये, पहाड़ों के बीच में, मतलब नेक्स्ट लेवल है। बट कुछ भी दिख नहीं रहा, आई से तो थोड़ा बहुत दिख भी रहा बट कैमरा जस्टिस करेगा नहीं करेगा उसका आइडिया नहीं है। Here is the view, check out। Guys, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है बट स्टिल इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, काफी अच्छी लेक है। बेसिकली हमें तो जाना है, वी आर गेटिंग लेट, तो हमें उदयपुर के लिए निकलना है। तो थोड़ा बहुत जितना भी घूम सकता हूँ घूम रहे हैं, हमने गाइड लिया है तो वो ही हमें फटाफट घुमा रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो गाइस यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत फेमस है, वैसे काफ़ी ग्रैंड है बट अंदर मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर से बना रहा हूँ। काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर से भी, तो अगर आप माउंट आबू आओ तो ज़रूर मस्ट विजिट। यहाँ एक सोमनाथ मंदिर है महादेव का, ये बोला जाता है कि यहाँ पे सेकंड रैंक का है, पहली रैंक का है गुजरात में। एंड यहाँ पे एक तालाब भी है, चलो दर्शन कर लेते हैं। गाइज मैं भी अंदर दर्शन करके आया महादेव जी के, एंड यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है जहाँ पे आप मछलियों को आटा खिला सकते हो, जो कि आपने देखा ही, काफ़ी अच्छा है, मतलब सुंदर सुंदर काफ़ी बहुत सारी मछलियाँ हैं, जैसे आप आटा डालते हो तो ऊपर आ जाती है। ठीक है, ये कुछ स्पॉट्स हैं यहाँ घूमने के लिए, काफ़ी अच्छे हैं, चलो आगे चलते हैं। तो गाइज वहाँ घूम के नाउ वी आर ऑन द वे टू उदयपुर। तो ये है उदयपुर का हाईवे। वैसे राजस्थान के रोड काफ़ी अच्छे हैं यार, नो डाउट, बट एक ही इशू है यहाँ पे ना, रोडों पे रैंडमली कहीं से भी गाय आ जाती है या फिर मैक्सिमम रोड पे बैठी रहती है, स्पेशली हाईवे के बीच में, तो वो थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न है जहाँ आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। आते टाइम एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था, मेरी गाड़ी अप्रोक्स होगी 140 क्योंकि बिल्कुल एम्प्टी हाईवे था, रात का टाइम था, एंड सडनली एक काओ बीच में आ गई। तो लकीली कुछ हुआ नहीं, मीन्स हम निकल गए, वो थोड़ा रोड पे आके रुक गई, उन्होंने रोड क्रॉस नहीं किया। बट फिर उसके बाद मैंने मंदी चलाई एकदम 80-100 क्रॉस करके, तो अभी ये शो कर रहा है कि 101 किलोमीटर्स रह गया डिस्टेंस, वो ये ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगेगा। तो चलो चलते हैं। तो गाइस बढ़िया चिलफन चल रहा है, सफ़र के मज़े लेते हुए अभी 2 मिनट का ब्रेक लिया है। काफ़ी मतलब राजस्थान की तो मेरे को सबसे बेस्ट बात लगती है कि यार जो रोड्स है ना, द रोड्स आर वेरी ब्यूटीफुल और ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आता है। रात को भी हम मतलब वैसे तो 14 आवर्स शो कर रहा, तो रात को 14 घंटे शो कर रहा था गुड़गांव से, गुड़गांव टू डायरेक्ट हम आए हैं माउंट आबू। तो उस दिन मैंने रात को रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज हमें कुछ अर्जेंट काम से आना था, एंड अब जाते टाइम थोड़ा ट्रैवल हो ही जाएगा तो सोचा व्लॉग भी बना लेता हूँ। काफ़ी अच्छा है यार, मानसून में तो है बहुत ग्रीनरी है
मेरे को तो कुछ कुछ रोडों पे गोवा और हिमाचल वाली वाइब्स आ रही थी, वो आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। बाकी काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक ट्रिप सो फार। तो अभी हम जा रहे हैं उदयपुर की साइड, जैसा मैंने आपको बताया, एंड उदयपुर में जाके करेंगे आज बढ़िया चल फन, करते हैं आज उदयपुर को थोड़ा एक्सप्लोर, एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। एंड अभी मैं जहाँ पे रुका हूँ मैं दिखाता हूँ जगह, इस व्यू देखो, मतलब हिमाचल वाली वाइब आएगी आपको, जस्ट ऐसा व्यू है यहाँ पे ना, ये देखो, लग रहा है कहीं से लग रहा है कि राजस्थान है, नहीं ना। सो ये काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा व्यू है मतलब बेसिकली। तो अभी चलते हैं उदयपुर की साइड, एंड बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं आगे। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आई विल ट्राई कि मैं अब रेगुलर व्लॉग्स डालूँ। अभी मेरा लास्ट व्लॉग में आपने देख ही लिया होगा, मैंने बताया था कि लाइफ में कुछ अप एंड डाउन चल रहा था लास्ट 2 मंथ से, सो मैं रेगुलरली व्लॉग नहीं डाल पा रहा था, मीन्स मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, मैं डालूंगा क्या। बाकी अभी लास्ट वीक मैं गया था नैनीताल मुक्तेश्वर, उसका व्लॉग आप देख सकते हो, इससे प्रीवियस व्लॉग ही है, बाकी मैं उसका लिंक शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ गया था यार, वहाँ भी बारिश हो रही थी एंड थोड़ा फोगी था, तो जिसकी वजह से व्यू के मज़े हम नहीं ले पाए, बट जितना उसका मैंने ट्राई किया कैप्चर करने का। मुक्तेश्वर भी गए थे हम एंड कैचीधाम गए थे नीम करौली बाबा दर्शन करने, तो काफ़ी अच्छा ट्रिप था वो, आप चेकआउट कर सकते हो, आई विल शेयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट व्लॉग। एंड अब यहाँ आए और यहाँ भी बारिश है, तो यहाँ भी हम व्यू का मज़ा नहीं ले पाए, सनसेट पॉइंट सनराइज पॉइंट वगैरह गए थे, बट वहाँ पे कुछ दिखे नहीं रहा था, इज टू मच फॉग एंड रेनिंग ना। कोई नहीं, फिर कभी आएंगे अच्छे से, देन करेंगे एक्सप्लोर। बाकी सो फार जितना भी हमने घूमा काफ़ी ठीक था, चलो चलते हैं आगे। तो गाइस ये हमने होटल लिया है, काफ़ी ग्रैंड है, मीन्स द प्रॉपर्टी इज़ अमेजिंग। तो मैं धीरे धीरे आपको पूरा इसका टूर देता हूँ, अभी हम चलते हैं। हमने एक स्वीट बुक किया है, ये है रेस्टोरेंट एरिया, नाउ वी हैव टू गो अप। गाइस अभी मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, चेक आउट। काफ़ी अच्छा है, मेरे को काफ़ी पसंद आया। इधर भी एक LED है, तो बेसिकली स्वीट रूम है एंड यहाँ अपना लगेज वगैरह रख दो। ये वॉशरूम एरिया है, अभी वॉशरूम बिजी है। आप सोचोगे कि आप कमरे में भी मैंने सनग्लासेस क्यों लगा रखे हैं, बेसिकली मेरी आँख, एक साइड की आँख में आई फ्लू हो गया है, सो आई डोंट वॉन्ट टू स्प्रेड इट अमंगस्ट माई फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने ये लगा रखा है। आगे आते हैं तो देयर इज अ ग्रैंड बेड। इस रूम का सबसे बेस्ट जो चीज़ लगा है, That one is bed and second is bathroom में surprise, वो मैं आपको दिखाऊंगा। And check out, ये देखो, ये LED का space है, so basically ऐसे खुल जाता है। काफी अच्छा है size इसका। So this is our room guys, आपको दूसरा surprise जो main है, check out, there is a grand bathtub in this property and in our suite. Oh guys, मैंने क्या ढूंढा, बेसिकली ये हीटर है, बट अगर इसमें आप लाइट ऑन करोगे नहीं, देखो कितना ट्रिपी लग रहा है ना, खतरनाक ये लिविंग एरिया में। गाइज ये है रूफ टॉप एरिया, 6th फ्लोर है एंड यहाँ पे इन्फिनिटी पूल है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक रात को ये काफ़ी सेक्सी लगेगा, तो रात का व्यू दूंगा। अभी हमारे रूफ टॉप, We should have some drinks and food. उसके बाद 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे। काफ़ी सही है, नीचे मेन टाउन में है और यहाँ से लेक ओनली 4 किलोमीटर दूर है एट दिस साइड। नाइस, हमारा पिज्ज़ा आ गया है, बर्गर आ रहा है और अभी बढ़िया फुल पावर पार्टी चल रही है। फटाफट खा लेता हूँ, भूख लगी है यार बहुत तेज। गाइस हमारा बर्गर आ चुका है, पिज्ज़ा हमने खा लिया है, एक और आ रहा है। Here's the another pizza, paneer pizza. Guys, this is red wine, this is white wine. ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये है ब्रीजर, आई डोंट प्रमोट एल्कोहल।
हेलो गाइस, तो अभी नाइट हो गई है एंड हम थोड़ा बाहर निकले हैं उदयपुर की थोड़ी नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने। अगर आप देख पा रहे हो तो मेरी आँख में, मैंने जैसे बताया था कि एक आँख में फ्लू हो गया है, बट रात को तो मैं सनग्लास लगा नहीं सकता। कोई नहीं, चलो देखते हैं, एक बीबी क्लब करके है उदयपुर में, लेट्स सी कैसा क्या माहौल बनता है। चलो, दिस इज द प्लेस, काफी हैपनिंग है। बेसिकली आज मंडे नाइट है, थोड़ा इतना आवाज आएगा नहीं, म्यूजिक का साउंड आएगा। वैसे ठीक है, थोड़ा चिल फन करते हैं, फिर यहां से निकलेंगे। सो गाइस, आई वाज फीलिंग नॉट वेल बिकॉज ऑफ द आई फ्लू। तो अभी हम जा रहे हैं, घूमने का मन था थोड़ा, बट हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा हेडेक है। आई हैव टू गो टू गुड़गांव एंड टेक द प्रॉपर मेडिकेशन। पता नहीं कैसे हो गया, ऑन द वे ही हुआ, बट मैंने एक ड्रिप ले लिया था, मीन्स आई ड्रॉप मेडिकल स्टोर से, बट इट्स नॉट वर्किंग फाइन। सो अभी हम निकल रहे हैं गुड़गांव के लिए उदयपुर से। कुछ होता है रस्ते में तो मैं दिखाता हूँ आपको, एल्स इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर दूँगा। टुडे आई गेट अ चांस टू मीट मिस्टर गुरी पाजी, जो कि मैं छोटा शॉट डाल दूंगा आगे, तो आप देख लीजिए। ये गुरी पाजी का काफिला है एंड इसमें तीन फॉर्चुनर है और एक रैंगलर है, जिसमें कि एक फॉर्चुनर है फुल बुलेट प्रूफ, जो कि काफ़ी सेक्सी लग रही है देखने में। चलो चलते हैं, दिस इज द बुलेट प्रूफ कार। तो गाइस, मैं तो फ्रैंकफुली सो गया था पीछे आराम से, मिस्टर अजय ड्राइव कर रहे थे। तो अभी हम वैसे अजमेर पहुंच गए हैं, जयपुर रोड पे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लिया है, लेट्स हैव सम कॉफी एंड सम स्नैक्स, फिर निकलते हैं। मिला हमें कैफे मैस्ट्रो करके, देखते हैं भाई यहाँ पे कैसे खाना वाना मिलता है। चलो भाई। तो भाई कुछ ऐसा अंदर से, अभी खाना आएगा तो खाना देखते हैं, खाना क्या बोलता है आगा। इस बर्गर सैंडविच अच्छी शॉट आ गए हैं, अभी पास्ता आएगा एंड कोल्ड कॉफ़ी, और कोल्ड कॉफ़ी और पास्ता भी आ गया। अब भूख बहुत तेज लगी है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। सो गाइस, हमने खाना खा लिया, ट्रस्ट मी इट वॉज एन अमेजिंग फूड। तो अगर आप कभी भी आ रहे हो अजमेर से जयपुर रोड की तरफ, तो जैसे आप अजमेर हाईवे छोड़ के जयपुर रोड पे चढ़ोगे, अप्रोक्स लाइक विद इन 2-3 किलोमीटर्स मिल जाएगा आपको एक पेट्रोल पंप है, उन्होंने वहाँ पे बोर्ड लगा रखा है एंड जो उसके जस्ट बाद है। तो मैं दिखाता हूँ, कैफे है कैफे मैस्ट्रो, इज द कैफे, कैफे का नाम है कैफे मैस्ट्रो एंड ऐसा कुछ एक बोर्ड भी आपको लगा मिलेगा वहाँ पेट्रोल पंप के वहाँ। यू मस्ट ट्राई द फूड, ऑनेस्टली फूड बहुत अच्छा था, हमने अच्छे से खाया पिया, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। कोल्ड कॉफ़ी एंड यू कैन गेट लाइक सैंडविच, बर्गर्स और पास्ता, वट एवर यू वॉन्ट टू हैव। हमने तो मल्टीपल आइटम्स खाए क्योंकि हम तीन लोग हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। चलो बिना किसी देरी के अब चलते हैं घर के लिए। होप यू गाइस लाइक द व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, bye bye, tata, take care.